गाइस वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो, दिस इज मी स्वाति। मैं आज खुश हूँ कि बाहर निकलना हुआ है तो वेदर इतना अच्छा है आज। सो दिस इज द प्लेस। मैं अभी पहुँची हूँ एंड यहाँ पे पापा का वैक्सीन होना था एंड कल मेरी दादी का हुआ था, सो इसीलिए मैंने ये जगह देखी थी। तो मैंने सोचा था यहाँ पे आके आई कैन डू अ क्विक स्केच। सो पापा अभी गए हुए हैं अंदर एंड वो लगवा रहे हैं। अगर टाइम लगा तो मेरा स्केच कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर वो जल्दी आ गए तो नहीं होगा कंप्लीट। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ एंड आई एम थिंक जो सामने ये व्यू दिख रहा है मैं इसको बनाती हूँ एंड आई कैन यू नो draw these cars also, plus जो ऊपर येलो फ्लावर्स हैं एंड सामने ये जो पिंक एंड वाइट फ्लावर्स हैं ये भी बन सकते हैं। सो आई जस्ट टेक आउट माई स्टफ। आई गॉट दिस स्केच बुक एंड दीज कलर्स। ये देखते हैं कि वो व्यू जो सामने दिख रहा है वो कैसे बनता है। मैंने स्केच बना लिया है। हमेशा की तरह जिस कार को मैं ड्रॉ कर रही थी वो लोग जा रहे हैं। आई एम गोना जस्ट क्लिक अ पिक्चर। अभी मेरा स्केच इतना बना था। मैं वाटर कलर लाना चाहती थी बट जल्दी जल्दी में मैं ऑयल पेस्टल्स उठा लाई। अब बाकी का स्केच मैं स्टूडियो जाके कंप्लीट करूँगी। मैंने सोचा था कि पापा अभी तक आ जाएंगे लौट के, इसलिए मैंने सारा पैक भी कर दिया स्केचिंग का सामान, बट टाइम लग रहा है तो मैं दोबारा तो नहीं निकालूँगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाटर कलर ले ही आती, काफ़ी टाइम मिल जाता मुझे पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए। प्लस यहाँ पे ये जो साइड में बिल्डिंग है ये भी मैंने बाद में सोचा कि काफ़ी अच्छी लगती पेंटिंग में। स्टूडियो पे आके मैंने इसको काफ़ी इम्प्रूव करा एंड आई यूज्ड एक्रेलिक कलर्स। ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स ओवर ऑयल पेस्टल्स। फाइनल स्केच कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने सड़क पे पेंट से ही फ्लावर्स बनाए हैं, ट्रीज भी थोड़े अच्छे और इम्प्रूव किए हैं, पीछे वाली कार मैंने हटा दी और बाकी जो डिटेलिंग थी वो भी ऐड करी है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक माय स्केच। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लीव सम कमेंट्स बिलो। थैंक यू, बाय।